हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेके टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत अलग होने वाली है और आपकी डिमांड पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी डिमांड कुछ ऐसी है कि मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी जो कि मेरी वायरल हो चुकी है वीडियो, जिसमें कुछ 25-26 हज़ार के लगभग व्यूज है, तो उस वीडियो में ऐसा है कि कई लोगों ने कमेंट, वो जो जमीन नापने वाली जो है उसमें कई लोगों ने कमेंट किया है कि बीघा में जमीन को कैसे नापते हैं वो मेरे को हमको बताओ। तो फिर मैंने सभी की उसमें मतलब कि कमेंट में अलग अलग मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब उस पर एक वीडियो ही क्यों ना बना दूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों, कल वीडियो नहीं बना पाया और इसका कारण ये है कि कल मेरा हैप्पी वाला बर्थडे था, तो सुबह से और शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, एक और बात की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और मेरे को भी कि हमारे सब्सक्राइबर 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं आपको क्यों बधाइयाँ देता हूँ, आपको बधाइयाँ इसलिए देता हूँ कि जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हमारी एक फैमिली बढ़ रही है और जिसका आप भी एक हिस्सा हो, तो हमारी फैमिली बढ़ रही है तो उसमें आपकी भी फैमिली बढ़ रही है, तो इसलिए आपको भी बधाइयाँ देता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि आज मैं आपको बीघा में जमीन नाप कर बताने वाला हूँ और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा स्पीड से नहीं बोलूँ, बहुत धीरे धीरे बोलूँ, हर बार बहुत तेज बोलता हूँ ना इसलिए। तो दोस्तों, बीघा में जमीन नापना है और आज भी उसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ मैं जो पहले बताया था, मतलब कि जो फील्ड एरिया मीजर फ्री एप्लीकेशन है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फील्ड एरिया मीजर फ्री में कुछ ऐसा है कि आप सोचते होंगे कि वो वाला एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है और उसमें बीघा नापने के लिए भी अलग से कुछ ऑप्शन आ गया है, तो ऐसा नहीं है, उसमें एकड़ और हेक्टेयर ही नापी जा सकती है और स्क्वायर फीट नापी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीघा का मध्य प्रदेश में क्या नाप है, मतलब कि मैंने नाप निकाला है बीघा का मध्य प्रदेश में हेक्टेयर के हिसाब से। और हाँ दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश के निवासी, मतलब कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है, क्योंकि ये जो मैं बीघा का नाप बता रहा हूँ ये मध्य प्रदेश उनके बीघा का नाप है। अगर आपके राज्य के बीघा का नाप आपको पता हो तो आप मैं जो वीडियो में बताऊंगा उसमें मध्य प्रदेश को हटाकर और आपके राज्य के बीघा का नाप कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ और नॉलेज, बहुत नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दो, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक भी कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाएगी, मतलब कि ऊपर जाएगी, रैंक करेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने ला, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल के डिस्प्ले पर। हाँ तो दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर में अपने मोबाइल के, और वहाँ पर आपको जाकर टाइप करना है, वैसे तो मैंने पहले ही बता दी है प्रोसेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की। यहाँ पर आपको लिखना है फील्ड एरिया मीजर फ्री, तो लिखते हैं फील्ड एरिया मीजर और ये वाला एप्लीकेशन आ ही गया, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो ये आ गया फील्ड एरिया मीजर फ्री, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ओपन और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर से और इसको ओपन करता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्रोसेस कुछ अलग है, चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अब ये एप्लीकेशन है, और हाँ, कई लोगों ने ये भी बोला था मेरे से कि इसमें भैया लोकेशन सही करने के लिए आप अपने मोबाइल में जो गूगल मैप दिया हुआ होता है गूगल मैप को खोल लेना। चलिए वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल मैप को खोल लेना, अगर लोकेशन गलत बताए तो, सही बताए तो अच्छी बात है, लेकिन गलत बताए तो गूगल मैप को खोलना, और ये जो आइकन दिख रहा है लोकेशन वाला, लोकेशन वाले आइकन को 2-3 बार टैप कर देना तो सही लोकेशन पर पहुंच जाओगे। और इसके बाद में उस एप्लीकेशन को खोलोगे ना तो उसमें भी सही बताएगा। अभी वाला खेत है ये वाला, इसको मैं नाप बता देता हूँ आपको कि ये कितना है। तो चलिए प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद, प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद में एक तो ऊपर दिया है हुआ है डिस्टेंस, और एक है एरिया, और एक है POI। तो POI का मतलब तो मेरे को नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस में लंबाई नापी जाती है और एरिया में हमें जैसे कि एरिया नापना हो तो वो नापा जाता है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल नापा जाता है। अब इसके बाद में GPS मीजरिंग, इसमें तो चलकर नापा जाता है, आपने उस वीडियो में देख ही लिया है। इसके बाद में ये मैनुअल मीजरिंग जो है, मैनुअल मीजरिंग में हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करके मतलब कि यहीं पर से बैठे बैठे नाप सकते हैं। तो चलिए इस ज़मीन को नाप लेते हैं ज़रा। ओके, तो यहाँ पर से ये नाप ली, मतलब नाप नहीं ली, नाप रहे हैं। अब यहाँ पर से कोनों को भी लगा देते हैं सही तरीके से। ओके, तो यहाँ पर से ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इतने में अच्छी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते, ये यहाँ पर सर सही नहीं हुआ, इसको सही कर देते हैं, मतलब जिस भी पॉइंट पे आगे पीछे करना हो उसको एक बार सिंगल क्लिक कर दो और फिर उसको खसका दो थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ, अरे यार,
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.656 हेक्टेयर है। तो 1.656 हेक्टेयर को अब हमें, अब मैं सबसे पहले तो इसको याद रखिए कितने हेक्टेयर है, 1.656। तो अब यहाँ पर सर हम चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के कैलकुलेटर पर और यहाँ पर सब खाली कर देना। इसके बाद में लिखा है 1.656 और अब इसका गुना करना है 1.43 में, 1.43। अब 1.43 में हम गुना क्यों कर रहे हैं तो आपको बता देता हूँ। 1.43 में अगर आप गुना करोगे तो इसमें बीघा निकल आएगा कि आपकी अब ये ज़मीन जो है कितने बीघा है। तो अब यहाँ पर ये जो बराबर में लिखा हुआ आ रहा है 2.36808, तो 2.36 है मेन, तो मतलब 2.36 दो बीघा और 36 ऊपर जो भी होता है 0.36 वो है, तो 2.36 बीघा ये ज़मीन है, तो ऐसे बीघा हम निकाल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे को बताना कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों कम्युनिटी टैब भी ऑन होने वाला है बहुत जल्द, तो अब मैं कम्युनिटी टैब में अच्छी अच्छी फोटो पोस्ट करूंगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन बार में पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती हो इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरी वीडियो और भी लोग देख सके और भी मेरी ऊपर वीडियो जा सके और मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना प्लीज, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।